हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रिस्कार की। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह हो गई है, मैं नहा धो के पूरा रेडी हो गया हूँ। मम्मी वहाँ पर देखने में लगे हैं फूल पौधे, और यहाँ पर है हैप्पी हैप्पी भाग जाती है। और मैं भी जा रहा हूँ स्कूल की तरफ को। स्कूल में बस कट गई, ऐसे अंदर आ गई है, तो मैं चलता हूँ। और बाकी तो कुछ नहीं, खैर अभी जा रहा हूँ मैं स्कूल की तरफ। मम्मी की आवाज। और बताओ बाकी आप। बाकी मैं तो बाद में बताऊँगी। गाय को केले देने हैं, अभी केले ख़राब हो गए। जिसकी बुआ लाई थी, जो हम लाए थे वो भी ख़राब हो गए थे। केले जल्दी ख़राब हो जाते हैं, एक दर्जन केले हमारे लिए बहुत होते हैं। जाओ ये गाय को दे के आओ। चलो, कुत्ता कैसे दिख रहा है सामने से, पकड़ो इसे। देखो गाय होगी। हाँ होगी। तो अभी तो मैं चलता हूँ वहाँ से आके। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग अपने घर में सब कुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं काफ़ी लेट स्टार्ट करूँ, एक्चुअली घर के काम करने के बाद जो है ना मैं सो गई थी। अभी मतलब मैं सो के उठी और दोबारा मैंने जो है वो किया, मतलब नहा लिया था सुबह, अभी दोबारा मैंने हाथ मुँह धोया है, तो इसीलिए फेस भी ऐसा लग रहा होगा। आज पता नहीं क्यों मुझे ना सुबह से नींद आ रही थी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज जैसे ही दक्ष स्कूल जाएगा उसके बाद मैं सो जाऊँगी, तो काम भी मेरे सारे हो गए थे, तो इसीलिए मैं सो गई थी। अभी उठ के जस्ट हाथ मुँह धो के ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और ब्लॉग अपलोडिंग में भी लगा दिया, इतना ज़्यादा लेट हो गई मैं। मतलब उठ गई थी, फिर थोड़ा सा सुस्ताने में टाइम लग जाता ना अगर दोबारा सो, तो कभी कभी सो भी जाना चाहिए, नींद पूरी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिन हमारा शुरू हो चुका है, दख जा चुका है स्कूल में। घर के सारे काम सुबह ही हो गए थे, अब दोपहर के खाने की तैयारी है। आज मैं बनाऊंगी सिर्फ रोटियाँ, क्योंकि सुबह की सब्जी बची और कल की जो सब्जी थी ना वो भी बची हुई है, तो सिर्फ रोटियाँ ही बनानी है आटा गूंथ के। उसके लिए भी काफ़ी समय है, 2-3 घंटे का समय है दक्ष के आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को अपने घर का होम टूर व्लॉग भी देने वाली हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना कि होम टूर व्लॉग बनाओ या नहीं बनाओ। एक बार मैंने बहुत पहले बनाया था, बट चीज़ें चेंज होती रहती हैं थोड़े थोड़े दिनों में घर की, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार और बना लूँ। और कई सारे लोग मुझसे बोलते भी हैं कि बनाना करके, तो ये सोचा है मैंने बनाऊंगी छुट्टी के दिन, जिस दिन दक्ष घर पर होगा। तो फिलहाल तो आज का दिन यही सब है, थोड़ी देर में दोबारा से मुलाकात करते हैं आप लोगों से। चाय मैंने दो बार पी ली है, अभी मैं आई हूँ नींबू पानी पीने के लिए। नींबू पानी बनाती हूँ अपने लिए फिर से, और फिर आप लोगों से दोबारा से मुलाकात करते हैं। हाँ जी मित्रों, बहुत हो गया रेस्ट, और यहाँ पर जो है दक्ष स्कूल की शर्ट भी मैंने प्रेस करके रख दी है, पैंट उसकी प्रेस है, और क्योंकि जो आज वो यूनिफॉर्म पहन के गया वो धोनी पड़ेगी, तो ये धोने हुए थे तो इसको प्रेस करके मैंने रख दिया है। और अब मैं चल रही हूँ किचन की तरफ रोटियाँ बनाने के लिए। मैंने आप लोगों को बोला था कि आज मैं रोटी बनाऊँगी, सब्जी तो बनी हुई है, तो उसके साथ रोटियाँ पराठे और कुछ भी एक चीज़ जो मैं बनाती हूँ। 15-20 मिनट में दक्ष आ जाएगा, तब तक ये सब बन गए। किचन विचन मैं साफ़ कर लूँगी अपना। और मैंने ब्लॉगिंग कुछ इसलिए भी नहीं करी क्योंकि पहले तो कुछ था भी नहीं, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये थी कि बाहर कुछ पता नहीं किसी का कुछ काम चल रहा है, तो बड़ी आवाज़ आ रही है, तो ये सारी चीज़ें थी। अभी बस थोड़ी देर में दक्ष पहुंचने वाला होगा, तो तब तक रोटियां वगैरह या पराठे जो भी है, मेरा मन वही कर रहा है खाने का, तो वही बना लेती हूँ। आज मैंने कुछ नहीं खाया, कल तो मैंने सेब खाया था, बट आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो वो बनाने में लग जाती हूँ, बनाने लग जाती हूँ कह के कि यहाँ आके बैठ गई हूँ। ट्राईपॉड लेने आई हूँ यहाँ पर अपना, ट्राईपॉड लगाऊंगी, थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी छोटा सा एक मिनी ब्लॉग के लिए, फिर जब दक्ष आएगा तब आपकी मुलाकात उससे करवा। हेलो मुन्नू। हेलो मम्मी। कैसा गया बेटा आज का दिन? बहुत बढ़िया। खाना खाया? हाँ। टेस्टी लगा? हाँ। पढ़ाई हुई? हाँ। होमवर्क मिला? हाँ। वाव। गेम्स भी खेला? हाँ। और वो फॉर्म में साइन करवाया टेस्ट? हाँ। वाह वेरी गुड, याद रह गया। मैं तो सो रही थी तू भूल गया होगा करके। हाँ। चलो उठो खाना पीना खाएंगे। पराठे बनाए आज मैंने, पराठे अचार और सब्जी। कैसी भाषा बोल रहा है खड़ा हो? हाँ हाँ हाँ, क्या होता है? खाना? हाँ क्या कह रहे लाटा, खाना खा लिया? खाना
पराठा, चाय, पराठा, पराठा सब्जी। अच्छा जो सुबह की सब्जी थी वही है। आ जा आ, चल सीधा सीधा नहीं पूछ सकता था, आ जा। ओके चलो अच्छे से करके आना। हाँ मैथ की एक्सरसाइज। मम्मी क्या खाने का? मीठा। मीठा कुछ नहीं है, चलो जाओ। मैं थोड़ा साफ सफा साफ सफाई करती हूँ और सब्जी वगैरह काटती हूँ शाम के लिए। चलो बाय। यहाँ पर जो है सब्जी हमारी बन गई है शाम की। आटा मैंने गूंथ दिया है, मतलब आटा जिस टाइम मैंने दिन में रोटी बनाने के लिए गूंथा था उस टाइम गूंथ दिया था। मैं थोड़ी देर बैठती हूँ इधर और थोड़ा सा फ़ोन का कुछ काम वगैरह है वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ। अभी दस थोड़ी देर में आ जाएगा ट्यूशन से, फिर उसको जो है पढ़ाने बैठाना। आज से उसकी मेरी डील हुई है कि वो शाम को खेलने नहीं जाएगा जब तक सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो जाता, जब तक सब कुछ लर्न नहीं हो जाता उसको। क्योंकि देखो गलती उसकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है। क्या हो रहा है ना कि काम बहुत सारा, अब प्रायोरिटी होने वाले हैं तो काम बहुत सारा करा दे रहे हैं टीचर्स, तो वो सब कुछ एक ही दिन में बच्चा भी याद नहीं कर पाएगा। तो मैंने उसको बोल रखा है कि ट्यूशन से आने के बाद कुछ दिनों तक खेलना मिस करो और याद करो, उसके बाद खेलने चले जाना, खेलने के लिए तो सारा समय पड़ा है ना। तो ये उसकी और मेरी डील हुई है, तो वो भी हाँ कह रहा था तो आएगा। उसके बाद उसको पढ़ाने के लिए बैठाऊंगी। मैं घर आ गया हूँ ट्यूशन से। मम्मी ने मुझे आते सीधे सीधे भेज दिया मुझको दुकान। बहुत ज़्यादा धूप रही, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। 5:30 बज रहे हैं फिर भी देखो। और बाकी तो खैर मैं दुकान जा रहा हूँ साथ में, क्योंकि मम्मी ने सीधे भेज दिया था मुझको। साथ में अपनी फेवरेट वाली मैं नमकीन भी लाऊँगा, उसके बाद घर आके पढ़ाई भी करूँगा। आज कहते आज खेल लेने जाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। मैं चलते चलते थक गया, साइड साइड चलता हूँ। तो अभी तो मैं दुकान जाता हूँ, उसके बाद आपको मिलूँगा। ये देखिए जी दक्ष ने इसमें पेंटिंग कर ली, बस ये तारे बनाने के लिए वाइट कलर नहीं है तो ये कल लेके कल बनाएगा। अभी कलर रख रहा है अपना और उधर पढ़ाई भी कर रहा है और सब्जेक्ट की। एक ये करा है, क्या करा था मुन्ना तूने? अरे बिछड़ी का थे। एक और किया था इसने, एक ये, हाँ ये वाला किया एक, बहुत ही सुंदर लग रहा है। Wow, so beautiful. चलो दूध पी लो अपना ये फटाफट से। तो फ्रेंड्स खाना तो खा लिया है और पेट भी पूरा भर गया है और साथ में अब सोने का टाइम हो गया। सुबह भी कल मेरा स्कूल होगा और यहाँ पर मम्मी को देखो ये और अभी तो बाकी कुछ नहीं, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जैसे किसी को पता ही नहीं होगा मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और कल सुबह मुझको वापस से स्कूल जाना है, कल मेरा थर्ड पीरियड वापस गेम्स होगा, आज भी मेरा गेम्स था, परसों मेरा हॉबी होगा, हॉबी में मैं म्यूज़िक करूँगा। आज मेरा गेम्स था, कल मेरा गेम्स होगा। यो यो हमारा स्कूल का ग्राउंड सूख गया है, यो यो हमारा स्कूल का ग्राउंड सूख गया तो हम आउटडोर भी खेल पाएंगे। यो 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 आउटडोर खेलेंगे, आउटडोर खेलेंगे। अभी तक तो हमारा ग्राउंड गीला था तो हम इंडोर खेले थे, तो हम आउटडोर खेलेंगे 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 खेलेंगे। रात ज़्यादा हो गई है, सबको मेरी आवाज़ आ रही है, मैं कर रहा हूँ, सबको मेरी आवाज़ आ रही है कि मैं कैसे चिल्ला रहा हूँ। यो यो एसी बहुत ज़्यादा ठंडी कर रहा है, 27 में रख रखा फिर भी इतना ज़्यादा दिन ठंडा कर रहा है, और अभी तो मैंने पढ़ाई भी कर ली थी 8 बजे तक, अभी तक मैं फ़ोन देख रहा था। फ़ोन में क्या देख रहा था मैं, अपने दोस्त से बात तो कर रहा था मैं। यो यो इतना ज़्यादा ब्लॉगिंग करते करते मैंने रैप बना दिया है। यो यो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें आप। यो यो मेरे इस रैप के लिए इतना बढ़िया रैप बनाया मैंने आपके लिए, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ कर लियो मेरे लिए।
यो यो कल मैं स्कूल जाऊंगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा कल स्कूल में। मुझे बोल में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मेरा रैप बहुत बढ़िया है। यो यो मैं बनियान में दिख रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। यो यो वरना नीचे से तो मैंने नेकर भी पहना है। यो यो बनियान में सही रहता है, ठंडा ठंडा लगता है। यो 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 रात हो गई है। यो मम्मी वहाँ से इशारे कर रही हैं कि ब्लॉग एंड कर दे। यो यो लेकिन ब्लॉग लंबा करना है तो मुझको रैप करना है। ये रैप मैं ब्लॉगिंग करते करते बना रहा हूँ, मैंने पहले नहीं बनाया था रैप, अभी अब भाई बनियार आया है। देखो मैं इसी को तो कहते हैं म्यूजिशियंस जो बोलते बोलते रैप बना देते हैं। रैप से बोर कोई नहीं होता है। तो अब अभी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय। यो यो।